अस्सलामुअलैकुम, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, यहाँ भोपाल में अशोका गार्डन के अंदर कल दो मुसलमान लड़कों को लड़कियों को बजरंग दल वालों ने खूब मारा, उनको डंडों से मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जब मेरा भाई और बहुत से लड़के यहाँ से इकट्ठा होकर उसकी गवाही देने गए, क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि उसको मारते हुए, तो पुलिस वाले उन सब लड़कों को, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कों को उठा के ले गए, वो एक तरफ वापस कार्रवाई कर रहे हैं, मुसलमान लड़कों को उठा के ले गए, पता नहीं कहाँ ले जाकर बंद कर दिया, पूरे के पूरे वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुसलमान लड़कों को उठा के ले जाकर वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। वो तो सिर्फ गवाही देने गए थे कि हाँ वो लड़कियों को मारा गया था, वो लड़की अभी भी हॉस्पिटल में कोई भी जाके देख सकता है, वहाँ पे वहाँ बजरंग दल वाले और जो वहाँ पे सब इकट्ठा है वो लोग बहुत कदर कर रहे हैं, वो पुलिस वाले एक तरफ कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने सारे मुसलमान लोगों को बंद कर दिया, क्योंकि मुसलमान लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था। उसके बाद भी वो लड़की भी वहाँ हॉस्पिटल में बेचारी अपनी इतनी सीरियस इंजरी के साथ डील कर रही है, और यहाँ सारे घर से अशोका गार्डन के मुसलमान लोगों को उठा के ले गए। आप लोग प्लीज कुछ करिए, प्लीज देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिकलम यहाँ भाई चैनल। तो आपको बता दें कि भोपाल अशोका गार्डन में बजरंग दल वालों ने दो मुस्लिम लड़कियों की खूब पिटाई की, कुछ लड़के गवाही देने पहुंचे तो पुलिस ने मुस्लिम लड़कों और बच्चों को उठा कर ले गए, कहीं बंद कर दिया, लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारी इस बहन का जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने कहा कल रात का मामला है और लड़की का वीडियो भी कल रात का ही है, गली में खड़ी स्कूटी से कार टकराने को लेकर बहस हुई और फिर मारपीट हुई। कमिश्नर ऑफ पुलिस का कहना है कि एफआईआर रजिस्टर कर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहल्ले में इस वक्त शांति है। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि बजरंग दल के लड़के मुस्लिम लड़कियों को मोहल्ले में सबके सामने पीटते हैं, अगर कोई लड़का कोई लड़की को पीटता है तो बड़ी मीडिया वाले पूरे इंडिया में वीडियो को वायरल करते हैं, लड़कियां यहां पर मुसलमान थी इसलिए खामोश बैठा गया। हालांकि माहौल यह हो चुका है कि जो लोग गवाही देने जा रहे हैं उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा, मतलब साफ है कि गुंडों को खुली छूट दी गई है, अगर वीडियो वायरल होता है तभी कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। दोस्तों अभी आपके सीन के ऊपर आप इसे देख रहे हैं, यह है